नमस्कार, आप सभी का मेरे इम्पेशन गार्डन चैनल में स्वागत है। सीताराम सभी को। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है ये सुंदर सुंदर एग्लोनीमा इंडोर प्लांट। तो दोस्तों, हम लोगों के यहाँ फूलों की कमी को पूरा करने वाला ये बहुत सुंदर प्लांट है कि आपके बगीचे में फूल ना भी हो, आपके घर में फूल ना हो, तो ये एग्लोनीमा की कुछ वैरायटी आप ग्रो कर लीजिए। सालों साल चलने वाली वैरायटी है। इनको ना धूप चाहिए ज़्यादा, ना पानी चाहिए, ना खाद चाहिए, बस। और इस तरह ये अपनी सुंदरता को बिखेरते रहते हैं, आपके मन को खुश करते रहते हैं। तो इन ये सैड लविंग प्लांट हैं, इनको छाया में रखना पड़ता है। तो आप अपने घर में, बरामदे में और जो बालकनी रहती है जहाँ धूप नहीं आती, वहाँ रख सकते हैं, विंडो में रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें ओवर वाटरिंग ना होने पाए। इसमें तभी वाटरिंग करना है जब हम इसको चेक करें और उसके ऊपर की एक इंच मिट्टी ड्राई हो जाए, तब इसमें हमको वाटरिंग करना है। अदरवाइज़ इसको वाटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और इसकी पत्तियों को साफ़ करते रहना है, क्लीन करते रहना है, या तो वेट क्लॉथ से साफ़ कर दीजिए, हल्का हल्का पानी से आप इसको क्लीन कर दीजिए, जिसकी इसकी पत्तियाँ अपनी भरपूर सुंदरता के साथ दिखाई देती रहें। तो फ्लावरिंग प्लांट, हर फ्लावरिंग प्लांट का तो एक निश्चित समय होता है फ्लावरिंग करने का, बट इसकी पत्तियाँ तो ऑल टाइम एवर ग्रीन मल्टी कलर रहती हैं, इसलिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा है। और लो मेंटेनेंस तो है ही, खाद और पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये मैंने दो प्लांट परचेस किए थे, ये 300 का ईच प्लांट पड़ा था और काफ़ी समय से मेरी विश लिस्ट में था, लेकिन इस साल मैंने इसको ले लिया। और इसको देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ पे ये रखा है ये कोना ही अपने आप बहुत सुंदर दिखाई देता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो इस तरीके से ये मेरे दोनों प्लांट हैं और आप भी इसे लगाइए।